नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M42 5G versus Ulefone Armor 8 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M42 5G में 6.47 इंच जबकि Ulefone Armor 8 में 6.54 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M42 5G में 2.99 इंच जबकि Ulefone Armor 8 में 3.22 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M42 5G में 0.34 इंच जबकि Ulefone Armor 8 में 0.59 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy M42 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M42 5G में 193 ग्राम्स जबकि Ulefone Armor 8 में 282 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy M42 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M42 5G में Super AMOLED जबकि Ulefone Armor 8 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M42 5G में 6.6 इंचेस जबकि Ulefone Armor 8 में 6.1 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M42 5G में 720x1600 और Ulefone Armor 8 में 720x1560 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M42 5G में 84.28% जबकि Ulefone Armor 8 में 67.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M42 5G में 266 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Ulefone Armor 8 में 282 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M42 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Ulefone Armor 8 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M42 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Ulefone Armor 8 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M42 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Ulefone Armor 8 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M42 5G में Adreno 619 जबकि Ulefone Armor 8 में Mali-G 72MP3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M42 5G में Qualcomm Snapdragon 750G और Ulefone Armor 8 में MediaTek Helio P60 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M42 5G में 6GB जबकि Ulefone Armor 8 में 4GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M42 5G में 128GB जबकि Ulefone Armor 8 में 64GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M42 5G में अप टू 1TB जबकि Ulefone Armor 8 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy M42 5G में Android V11 जबकि Ulefone Armor 8 में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M42 5G में 5000mAh जबकि Ulefone Armor 8 में 5580mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy M42 5G में 2 कलर्स जबकि
Ulefone Armor 8 में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy M42 5G की 21,950 रुपीस जबकि Ulefone Armor 8 की 23,500 रुपीस प्राइस है, जो कि Galaxy M42 5G से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M42 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Ulefone Armor 8 की तो उसमें 2 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy M42 5G आगे है, मेन कैमरा में Galaxy M42 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy M42 5G आगे है, इंटरनल मेमोरी में Galaxy M42 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है, दूसरा Realme X7 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है, तीसरा Samsung Galaxy F62 है जो कि 22,399 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A74 5G है जो कि 17,990 रुपीस में मिलता है, और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।